एक बार दो बहनें थीं। बड़ी बहन समझदार थी, वहाँ पूजा पाठ करती, बड़ों का आदर करती और घर के सारे कामकाज करती थी। छोटी बहन उसके विपरीत स्वभाव की थी, वह ना तो बड़ों का कहना मानती और ना ही घर के कामकाज करती थी। दोनों बहनें विवाह योग्य हुई तो उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन के ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे, जबकि छोटी बहन के ससुराल वाले उससे बहुत दुखी थे। कुछ दिन बाद दोनों बहनों के पिता उनको लेने के लिए गए। बड़ी बहन के ससुराल वालों ने अपनी गुणवान बहू की बहुत बड़ाई की, लेकिन छोटी बहन के ससुराल वालों ने उसकी बहुत बुराई की और कहा अपनी बेटी को ले जाओ। दोनों बहनों को उनके पिता घर लेकर आए और सारी बात उसकी माँ को बताई। अब माँ छोटी बेटी से हर काम कराने लग गई थी। कुछ दिन बाद भादवे की तीज आई, दोनों बहनें पूजा करने गई तो बड़ी बहन ने कहा, हे नीमड़ी माता, तू मीठी है जैसा मुझे भी रखना, और दूसरी ने कहा, तू तो कड़वी है। माँ ने सुना तो उसकी समझ में सारी बात आ गई और तुरंत छोटी बेटी से कहा, वापस जाओ और नीमड़ी माता की पूजा करो और कहो, हे माता, मुझे भी मीठी रखना। लड़की ने पूजा करी और नीमड़ी माता से माफ़ी मांगी। नीमड़ी माता उस पर खुश हुई। जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे बहुत खुश रहने लगे। अतः नीमड़ी माता को कड़वी न कहकर मीठी कहना चाहिए। व्रत के दिन सवेरे में नीम के पत्ते भी खाते हैं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। हे नीमड़ी माता, सभी को सद्बुद्धि और आरोग्य प्रदान करें। आपको नीमड़ी माता की यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।